प्रशासन के मजबूत गठजोड़ से चलते नहीं रुक रखा सेवापुरा में अवैध मिट्टी का खनन। भूमाफिया खनन विभाग के प्रशासनिक अफसरों की मिलीभगत से जमकर अवैध मिट्टी खनन कार्य। समस्या का शीघ्र समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। जेडीए जोन 13 के नायब तहसीलदार रतन सिंह का कहना है जल्द ही वहां पर छापेमारी कर भूमाफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सेवापुरा रामपुरा गांव में पिछले कई सालों से भूमाफिया प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध मिट्टी खनन का कार्य कर रहे हैं, लेकिन लगातार शिकायत करने के बाद भी क्षेत्रवासियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसे क्षेत्रवासियों में खनन विभाग प्रशासन के खिलाफ आक्रोश पनपता जा रहा है और वे आंदोलन शुरू करने का मन बना रहे हैं। स्थानीय सरपंच रोहिताश भूमला और क्षेत्रवासियों ने कहा प्रदेश सरकार ने अवैध मिट्टी खनन पर पूर्ण रोक लगा रखी है, इसके बाद भी क्षेत्र में सक्रिय भूमाफिया खनन विभाग के प्रशासनिक अफसरों की मिलीभगत से जमकर अवैध मिट्टी खनन का कार्य कर रहे हैं। भूमाफिया बड़े बड़े प्लॉट स्वामियों से भराव के नाम पर जमकर मोटी रकम वसूल रहे हैं। अभी भी भूमाफिया क्षेत्र के जंगल में नदी नाले और जेडी की बेशकीमती जमीन से ट्रैक्टर ट्रॉली डंपर से मिट्टी उठाने का कार्य कर रहे हैं। सरपंच ने आरोप लगाया है कि पहले भी भूमाफिया ने यहां पर अवैध मिट्टी खनन का कार्य शुरू किया। हालांकि पुलिस प्रशासन कई बार इस पर अंकुश लगा चुकी है, लेकिन अब भूमाफिया खनन विभाग के प्रशासनिक अफसरों की मिलीभगत से ये खेल खेल रहे हैं। इसको लेकर क्षेत्रवासियों में आक्रोश पनप रहा है। उन्होंने समस्या का शीघ्र समाधान में होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जेडीए जोन 13 के नायब तहसीलदार रतन सिंह ने कहा कि अगर जेडीए की जमीन से मिट्टी खनन हो रहा हो तो जल्द ही वहां पर छापेमारी कर भूमाफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में अवैध खनन बर्दाश्त नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव राजस्थान, जयपुर।